हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। आप पहचानते होंगे, शायद नहीं पहचानते तो मैं बताती हूँ आपको ये कौन से फ्लावर्स हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल, अगर आप मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए कितने खूबसूरत है। मेरे पास दो कलर के हैं, एक ये पर्पल कलर है, वाइट कलर तो कितना प्यारा है, पर्पल भी बहुत प्यारा है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये है डॉग प्लांट, जो मैंने ट्रांसप्लांट किया था। अब ये थोड़ा बड़ा होके अभी फ्लावर्स दे रहा है। देखिए यहाँ से बर्ड भी आ रहे हैं, ये देखिए बर्ड भी आ रहे हैं, ये बहुत सारे। और इधर तो बहुत सारे बर्ड आ रहे हैं, ये देखिए बहुत सारे, अभी बहुत सारे वो हैं शूट्स हैं, तो फ्लावर्स भी आएंगे, बर्ड भी आएंगे। देखो ये छोटे छोटे बर्ड आ रहे हैं। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये बंच में फ्लावरिंग करता है। इसका बंच में आते हैं फ्लावर, और सीड भी आते हैं। अगर ये आप सीड अगर तोड़ के नहीं, ये फूल फ्लावर्स अगर ये मैंने नहीं तोड़ा है, एक मैंने लगा रहने दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये सीड बनने लगे हैं। सीड बन, ये देखिए ये सीड ये कर रहा दिख रहा है आपको, सीड पॉट बन के तैयार हो रहा है। सो फ्रेंड, ये सीजनल प्लांट है और ये हमेशा सर्दियों में खिलते हैं। ये विंटर प्लांट है, विंटर में बहुत खूबसूरती बिखेर के जाते हैं अपनी। ये 3-4 महीने तक रहते हैं, 3 महीने तक तो डेफिनेटली रहते हैं। सो फ्रेंड्स, जनवरी फरवरी तक, और उसके बाद ये बीज देके आपको चले जाते हैं। तो आप फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि अक्टूबर में सो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। बंच में फ्लावर कितने खूबसूरत दिखते हैं, देखिए मेरे पास अभी और भी हैं, रेड कलर का भी है, लेकिन वो रेड कलर का भी फ्लावर्स नहीं आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं क्यों गवा दूँ। इतना बंच में आ रहे हैं, इसमें तो अभी कम है पर्पल वाले में, ये भी खिलने वाले हैं और ये भी बंच में आएंगे, बहुत सारे आएंगे। ये तो अभी कम खिले हैं, 4-5 हैं ये, लेकिन अभी और भी आएंगे। फ्रेंड्स, इसको डॉग फ्लावर्स क्यों कहते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मुंह रहता है ना, ये देखिए ये डॉग के जैसा होता है, और ये खुलता बंद होता है ऐसा ऐसा करिए, तो देखो ये देखिए, तो देखिए डॉग की तरह है इसका मुंह, इसलिए इसको डॉग फ्लावर बोलते हैं। ये देखिए डॉग की तरह लगता है, देखिए डॉग की तरह खुलता बंद होता है, इसलिए इसको डॉग फ्लावर्स बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मस्त है, लेकिन इसको पानी आप कम दें फ्रेंड्स। ये पहले विंटर में कम सोखता है, सनलाइट कम सोखती है पानी, तो आप इसको पानी बहुत कम दें। और प्लांट के थ्रू मतलब ऑल ज़्यादा प्लांट जो समर के प्लांट हैं उनके मुकाबले में इसको और कम देना है। तो विंटर में तो वैसे भी ये नहीं होते हैं, ज़्यादा नहीं सूखता है पानी फ्रेंड्स। सो आप पानी बहुत कम दें, और मिट्टी इसकी अच्छी पोरस मिट्टी बनाइए, यानी कि ऐसा करिए आप, जैसे कि तीन हिस्से ले लीजिए। एक हिस्सा गार्डन सॉइल होना चाहिए, दूसरा उतना ही हिस्सा सैंड का ले लीजिए, फिर उतना ही हिस्सा काउडंग ले लीजिए आप, तो बस बेस्ट है इसके लिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी ये चलेगा, फ्लावरिंग देगा। सो फ्रेंड्स, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो जो है ना प्लांट भी, और जो ये रहता है पॉट में, आप ठिकली रख के फिर मिट्टी भरिए। और अगर ठिकली नहीं है आपके पास तो आप क्या करिए कि वो जो रहता है जूट,
जूट के जूट का रहता है ना, वो नारियल का जूट रहता है जिससे कोकोपीट बनती है, वो भी रख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, नारियल वाले रख दीजिए आप नीचे होल पे, तो ये वो भी मिट्टी नहीं निकलती है, सिर्फ पानी निकलेगा। तो बस फ्रेंड्स, आप ये सब करेंगे तो आपके पास भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, जैसे कि मेरे पास है। मैं तो इसमें 2 दिन में कभी 1 दिन छोड़ के देती हूँ पानी, ये बहुत कम सोख रहा है पानी फ्रेंड्स, बहुत कम पानी सोख रहा है। और देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कितना इसमें एकदम, ये देखिए, ये देखिए, मैंने इसमें कल दिया था पानी, सूख गया, लेकिन अंदर तो अंदर देखिए ये मिट्टी इसकी, देखिए ये मिट्टी इसकी कैसी निकल रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसके पानी का ख्याल रखिए और इसको ज़्यादा ठंडी में मत रखिए, इसको धूप धूप में ही रखिए और हरा भरा रखिए फ्रेंड्स, अपने गार्डन को इसी तरह से ध्यान देते रहिए और बढ़िया बढ़िया फ्लावर खिलते रहेंगे आपके गार्डन में। सो फ्रेंड्स, मैं जाने से पहले एक बात और बोलती हूँ कि ग्रीनरी बनाए रखिए, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप आपके गार्डन में ऑक्सीजन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलती रहती हूँ, मुझे तो जैसे मैं अपने गार्डन का ख्याल रखती हूँ, ऐसे आप भी गार्डन का अपना ख्याल रखिए और अच्छी अच्छी चीज़ें जो मैं बताती रहती हूँ उस पर गौर करिए। और फ्रेंड्स, मैं तो चाहती हूँ जैसे देखिए मेरे गार्डन में कितने कलर कलर के फ्लावर्स खिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए गेंदा के भी खिलने लगे हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय फ्रेंड्स।